आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मंगलवार को जनपद के सभी 20 नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नामित जिला स्तरीय अधिकारियों ने कराया शपथ ग्रहण। खजनी में SDM खजनी ने ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह को दिलाया शपथ। DPRO ने कहा, शपथ ग्रहण के साथ ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल हुआ शुरू। प्रेम प्रसंग में हुई युवक की हत्या, प्रेमिका को घर छोड़ने गया था प्रेमी युवक। घटना रामगढ़ताल थाना की। SSP ने कहा, जल्द होगी हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के अंतर्गत प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह ने किया आयोग के 110 प्रकरणों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, बकरीद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से है सतर्क। लोगों से की अपील, कहा करें कोरोना गाइडलाइंस का पालन, आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं त्योहार। SSP की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों की समस्याओं को 24 घंटे के भीतर निस्तारण के दिए निर्देश। प्रत्येक बूथों पर 25 जुलाई को मनाया जाएगा मतदाता दिवस। BLO अपने बूथों पर जाकर जोड़ेंगे नए मतदाता। महिला मतदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने का करेंगे प्रयास। महिलाओं को वोटर बनने के लिए करेंगे जागरूक। बड़े धूमधाम से खजनी ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह ने शपथ ग्रहण के बाद किया कार्यभार ग्रहण, कहा क्षेत्र का होगा समुचित विकास। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,346। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 43 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का गोरखपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अध्यक्ष ने कहा, समाज के लोगों को जोड़कर पार्टी हित में करेंगे कार्य। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 40 केंद्रों पर 11,201 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। एडिशनल CMO ने कहा, वैक्सीनेशन कराते समय कोरोना प्रोटोकॉल का करें पालन, रहे सुरक्षित। बुधवार को मनाई जाएगी बकरीद। ईद उल अजहा को लेकर बाजारों में रौनक। बाजारों में 5,000 से 60,000 रुपए तक बिके बकरे, लोगों ने जमकर की खरीदारी। शासन के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू मंगलवार को भी रहा जारी। सड़कों पर मिला जुला दिखा असर। ADM सिटी ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का करें पालन, रहें सुरक्षित। और 3 दिनों से हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले कुछ दिन तक होगी बारिश। ADM वित्त एवं राजस्व ने कहा, बारिश से किसी प्रकार की क्षति पर होगी त्वरित कार्रवाई।